हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों और मेरे बिगड़ों कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ मस्त हो स्वस्थ हो। दोस्तों आज हम जा रहे हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से राजकीय उद्यान अलीगंज पार्क, तो चलिए चलते हैं। वेट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी। राजकीय उद्यान अलीगंज पार्क अलीगंज सेक्टर जी में पड़ता है और अगर आप अलीगंज निवासी हैं तो आप आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं चारबाग रेलवे स्टेशन से जा रही हूं तो पुरनिया की टैक्सी या ऑटो भी ले सकते हैं या फिर अपनी सवारी से भी जा सकते हैं। गए हम राजकीय उद्यान अलीगंज सेक्टर जी के पार्क में, तो चलिए देखते हैं कैसा है ये अंदर से। दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ा पार्क है, पर्यावरण के अनुकूल भी है। यहाँ पर जिला उद्यान कार्यालय, प्लांट नर्सरी, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, आलू अर सेंटर, फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज, राज्य मशरूम प्रयोगशाला, एक पुराना मंदिर, साथ ही पौधे नर्सरी में उपलब्ध विभिन्न प्रजातियां और पौधों की किस्में देखने को मिलती हैं। दोस्तों ये जगह चूँकि इको फ्रेंडली ग्रीनी है तो ताज़ी ऑक्सीजन युक्त हवा में कुछ वक्त बिताना आपको अंदर से शांत कर देता है। खेल कूद के दृष्टिकोण से भी यह पार्क काफ़ी हद तक अच्छा है, यहाँ एक बार तो आना बनता है। दोस्तों अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मॉर्निंग में 5 to 8 AM और शाम को 6 to 8 PM तक आने का टाइम है। दोस्तों चूँकि जो इस पार्क के आसपास इलाके में रहते हैं वो यहाँ सुबह शाम अपने शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए रोजाना भी आते हैं। दोस्तों राजकीय उद्यान अलीगंज पार्क की यदि बात की जाए यहाँ पर कितने कार्यालय हैं, तो विशेषकर आप जानिए कि वैज्ञानिक ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, राजकीय बीज विधायन केंद्र, राजकीय पौधशाला विधायन केंद्र, आलू एवं साग भाजी विकास प्राधिकारी, राजकीय शीतगृह इत्यादि यहाँ पर हैं। चूँकि ये राजकीय उद्यान सरकार के दायित्व में है तो इसके मेंटेनेंस भी सरकार के अधीन है। दोस्तों चूँकि यह उद्यान विशेषकर विभिन्न प्रकार की सब्जियों के वानस्पतिक और ठंडे भंडारण के लिए है, इसलिए यह इसकी उपयोगिता को और भी बढ़ा देता है। दोस्तों अगर आपको प्रकृति यानी नेचर से लगाव है और आप कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताना चाहते हैं या प्लांट्स के बारे में, नर्सरी के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो या वीकेंड पे कहीं जाना हो तो एक बार आप यहाँ का रुख भी कर सकते हैं। दोस्तों कृषि पौधों की जानकारियाँ हो या फिटनेस की बात, ये राजकीय उद्यान अपने आप में हरियाली युक्त एक गहरी शांति बनाए रखता है। लोग यहाँ कुछ वक्त को आते हैं और ग्रीनी वातावरण में एक पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं। मुझे भी यहाँ विजिट करके बहुत अच्छा लगा, आप भी ज़रूर जाकर देखें एक बार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो लाइट थोड़ी डिम हो गई है क्योंकि मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था। आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी जाइएगा और अपना समय बिताइएगा।
तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए मेरे साथ यानी तन्वी के साथ इंडियन कुड़ी में।